हाई एवरी वन, नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाली हूँ। तो एज वी ऑल नो कि हम लोग इन द मिडल ऑफ पेंडेमिक सेकेंड वेव में है। फर्स्ट लॉकडाउन का सिनारियो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ये जो हमारा सेकेंड वेव का लॉकडाउन है ये टोटली डिफरेंट है। बहुत सारे लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, क्या वायरस है, क्या हो रहा है, क्या हो नहीं हुआ, ये सब के बारे में बात नहीं करूंगी, वो सब हमको पता ही है ऑलरेडी। मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आते हैं दैट हाउ आई कीपिंग माई सेल्फ काम एंड पॉजिटिव इन दिस टाइम, और मैं कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख रही हूँ, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख रही हूँ, और कैसे मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू कर रही हूँ। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत पैनिक करने वाली लोगों में से हूँ। मैं भी बहुत पैनिक करती हूँ, मुझे कुछ भी पता चलता है कहीं से, मैं खुद भी बहुत स्ट्रेस में आ जाती हूँ, ओवर थिंक करने लगती हूँ। हाँ, मैंने कुछ चीजों पर वर्क किया है और कुछ चीजों ने मेरा हेल्प किया है इन सब चीजों से बाहर आने के लिए। कुछ रूटीन्स मैं कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस फ्री रह पाती हूँ, पॉजिटिव रह पाती हूँ, एंड साथ ही साथ अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ 10 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, कि आप अपने लाइफ में उसको इंक्लूड करके पॉजिटिव एंड स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं इस पैंडेमिक में। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्टार्टिंग माई डे विद योगा और मेडिटेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरह की योगा की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको पावर योगा करना है, हैवी लिफ्टिंग करनी है, वेट लूज करना है, ये सब तो बहुत प्रायोरिटी है ही नहीं अभी के टाइम पे। अभी का जो सबसे मेन हमारा कंसर्न है वो हमारी मेंटल हेल्थ, आपके एंजाइटी को, आपकी टेंशन को बहुत हद तक काम डाउन करता है। सो आई स्टार्ट माई डे विथ योगा। बहुत ऐसा हार्ड एंड कोर योगा नहीं करती हूँ, बहुत बेसिक सा मैं योगा करती हूँ एंड थोड़ा बहुत मेडिटेशन करती हूँ। इट वर्क अ लॉट फॉर मी। ट्राई दिस विथ यू, आप जरूर ट्राई करिए। बहुत सारे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंजाइटीज को काम डाउन करने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। सेकेंड पॉइंट आता है ड्रेसिंग अप अ लिटिल। आई नो काफी लोग सोचेंगे अरे बाहर ऐसा माहौल चल रहा है, उसमें हम कैसे ऐसे ड्रेसअप होकर के या तैयार होकर के घूम सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ड्रेसअप, मैं ये नहीं बोल रही बहुत आप ऐसे ड्रेसअप कर ली, ड्रेसअप हो जाइए, थोड़ा सा नॉर्मल बेसिक सा आप ड्रेसअप हो जाइए, अपने बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई करिए, अच्छे से सेट करिए, थोड़ा सा बिल्कुल लिप बाम लगा लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए, यू फील लिटरली बेटर, बहुत इंस्टेंटली बेटर आपको फील होने लगेगा, आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पुट टुगेदर रहने से आपका मूड काफी हद तक चेंज हो जाएगा, आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। सो ट्राई करके जरूर देखिएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि है प्रेइंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, आपको ये एक शक्ति को मानते हो, अपने ईश्वर के सामने बैठिए, उनसे थोड़ा बातें करिए, उनके सामने उनको थैंक यू बोलिए जो लाइफ उन्होंने आपको दी है। आज आप बैठे हैं, फ्रेश सांस ले पा रहे हैं, इस चीज़ के लिए थैंक यू करिए, हर चीज़ के लिए उनको धन्यवाद करिए, एंड इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। खुद के लिए प्रे करिए, सबके लिए प्रे करिए। प्रेइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्प्ड अ लॉट टू मी। इंडल्ज योरसेल्फ इन सम क्राफ्ट एंड एक्टिविटी। आप अपने आप को किसी भी क्राफ्ट में, आपको पेंटिंग पसंद है आप पेंटिंग करिए, आपको कोई ऐसा क्राफ्ट या आर्ट आता है आप वो अपना स्टार्ट करिए। आप कोई पहले करते थे अभी आपने बंद कर दिया, और जो आप सीखना चाहते थे आप सीख नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन, उसकी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हर चीज का ऑनलाइन ट्यूटोरियल अवेलेबल है आज के टाइम पे, यूट्यूब पे हर चीज के वीडियोज अवेलेबल है। वीडियो निकालिए, बैठिए, टाइम दीजिए अपने आपको, और आर्ट एंड क्राफ्ट में इंडल्ज हो जाइए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। आपका माइंड बहुत काम एंड पॉजिटिव हो जाता है विद एनी क्राफ्ट एंड आर्ट के चीजों से करने से। तो ट्राई दिस एज वेल। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है नेचर, स्पेंड टाइम इन नेचर। तो आई नो जैसे मैं एक मेट्रो सिटी में रहती हूँ और हम लोग मल्टीज में रहते हैं, तो मैं डेली डेली नीचे नहीं जा सकती हूँ, गार्डन में नहीं टहल सकती हूँ। तो मैंने क्या करके रखा है, नेचर को मैं अपने घर में लेकर के आ गई हूँ। मेरे घर में मैंने बैल्कनी में बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, उनकी देखरेख करती हूँ मैं। जब उसमें फ्लावर आता है तो मुझे इतनी खुशी होती है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उसमें एक ब्लूम होते हुए देखती हूँ किसी फ्लावर को। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। देखिए बच्चों के वीडियोस, देखिए किड्स के वीडियोस, देखिए ऐसे वीडियोस देखती हूँ जिसमें बच्चों के कॉमेडी वीडियोस होते हैं। मैं व्लॉग्स देखती हूँ जिससे मुझे पॉजिटिविटी आती है। कोई नेगेटिव चीजें मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव हंसते खेलते हुए चीजें देखती हूँ। सो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच गुड वीडियोस जो मूड अपलिफ्ट करते हो, अच्छी मूवीज देखिए, हल्की फुल्की, आपका मूड एकदम अच्छा हो जाता है।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, गुड फूड इज इक्वल टू गुड मूड. अभी हम कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं, तो आप अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, घर का फ्रेश बना हुआ खाना खाइए. ऐसा बोलते हैं ना, गुड फूड इज इक्वल टू गुड मूड. आपका मूड पूरा पूरा फूड पे डिपेंड करता है. ताजा बना हुआ खाना खाइए. इस पैंडेमिक ने हमको ये तो सिखाई दिया है कि हेल्थ ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, बट आपकी हेल्थ सब कुछ है. हम इसके अंदर जो डाल रहे हैं वो अच्छी चीजें डालें. मन करता है कभी कभी चॉकलेट्स खाने का, ऐसी चीजें खाने का, चिप्स खाने का, वेफर्स खाने का, वो आप कम खाइए, बट कम खाइए. बट ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप घर का ताजा बना हुआ फ्रेश फूड खाए. नेक्स्ट आता है टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. अपने फैमिली वालों के साथ वीडियो कॉल पे बात करिए, उन लोगों से बातें करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बातें करिए, जो पुराने अच्छे मोमेंट्स हैं उनको याद करिए. वो कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है एंड खुशी बांटने से बढ़ती है. तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज है मन में, आपको लगता है कुछ सैडनेस है, कुछ आपके साथ हो चुका है, तो उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. आपको बहुत अच्छा मन, आपका मन हल्का होगा. एंड कोई ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी है और जो बहुत अच्छी चीज हुई है, खुश होने वाली चीज है, तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. आपको डबल अच्छा लगेगा. उन्हीं लोगों के साथ शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि हाँ, ये बहुत पॉजिटिव इन नेचर है, आपके लिए हमेशा अच्छा चाहेंगे. ऐसे लोगों के साथ बात करिए जिनके साथ बात करके आपको पॉजिटिविटी और खुशी मिलती है. उनके साथ कनेक्टेड रहिए. दिस इज द टाइम जब हम एक दूसरे को हिम्मत दे सकते हैं, पॉजिटिविटी दे सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ पैम्परिंग. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप खुद के ऊपर ध्यान देते हैं, आप खुद के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, खुद को टाइम दीजिए, फेस पैक लगाइए, अपने बालों में पैक लगाइए, अपने ग्रूम करिए, अपने आईब्रोज को ग्रूम करिए, अपने आप को ग्रूम करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, यू फील अमेजिंग. गाना लगाइए, अपने फेवरेट सॉन्ग सुनिए, जो आपको सुनना है वो करिए, एंड यू विल फील अमेजिंग. आपको बहुत अच्छा लगेगा ये करके भी, तो ट्राई दिस एज वेल. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. आई डोंट नो ये इससे लोग रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, बट आप ये नोटिस, आप ये एक्सरसाइज ट्राई करके देखिए ना. आप एक दिन अपना जो रूम है, हर कोई अपने रूम को थोड़ा सा मैसी कर दीजिए, एंड तीन चार दिन आप उसमें रह करके देखिए, आप इतना अजीब फील करेंगे. नेगेटिव चिड़चिड़ापन ये सब फील करेंगे. एंड जिस दिन आप क्लीनिंग करेंगे और अपने घर को ऑर्गेनाइज करेंगे ना, यू गेट अ काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन. आई डोंट नो, ये मेरे साथ तो होता है. मैं जब भी घर क्लीन करती हूँ या अच्छे से रखती हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली मेरा मन अच्छा रहता है. चीजें जब मुझे जगह पर ऑर्गेनाइज दिखती है. मैंने ये कहीं पढ़ा था कि जैसा आप अपने चीजों को रखते हैं, अपने घर को रखते हैं, अपनी सराउंडिंग को रखते हैं, इट रिप्रेजेंट योर पर्सनैलिटी. तो जो लोग क्लीन एंड ऑर्गेनाइज चीजें रखते हैं, इट रिप्रेजेंट क्लीन ऑर्गेनाइज एंड सॉर्टेड. बट जो लोग अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा सा मेस्ड अप रखते हैं, उनके कहीं ना कहीं माइंड में भी वो मेसी मेस्ड अप चीजें चल रही होती हैं. तो ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट. आप अपने घर को क्लीन करिए, आपको देखिए कितना अच्छा, शांत और काम लगेगा. घर की छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स चेंज करिए, आपको बहुत नयापन एंड बहुत अच्छा लगने लगेगा. ट्राई दिस एज वेल. क्योंकि अभी हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, कोई ना नीचे जाता है, ना हम कोई वर्कआउट करते हैं, ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं. तो ट्राई दिस एज वेल. आप कोई ना कोई वर्कआउट एक्टिविटी, जूम्बा, डांस, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं. बॉलीवुड गाने चलाइए अपने पसंद के, आधा घंटा उसमें डांस करिए. सो डांस एंड वर्कआउट करने से, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करने से, आपके अंदर का जो हैप्पी हार्मोन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड जिससे आप बहुत खुश एंड अपलिफ्ट फील करते हैं. सो ट्राई दिस एज वेल. और उसके बाद हमारे एंड पॉइंट्स तो हो गए हैं, बट मैं टिप देना चाहूंगी कि समटाइम जरूरी नहीं है कि आपको कुछ करना ही करना है. कभी कभी जस्ट बैठिए, चिल मारिए, कुछ मत करिए, आराम से रिलैक्स रहिए. ये भी आप कर सकते हैं, इसको भी करने से कभी कभी बहुत अच्छा फील करते हैं. सो यस, दीज आर माई सम पॉइंट्स. आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिली हो. एंड मुझे बताइएगा जरूर कितने लोग ऑलरेडी कुछ चीजें इसमें से फॉलो कर रहे हैं, एंड कितने लोग इनमें से कौन कौन सी चीजें फॉलो करने वाले हैं. कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो. अगर हेल्प मिली हो, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, हो सकता है किसी को इस वीडियो की जरूरत हो. एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.